मोहम्मद अवीर सिद्दीकी, आज मैं आया हूँ बैरिया टाउन, नया प्रोजेक्ट आया है बैरिया टाउन के अंदर, तो उनसे पूछते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है और इनकी डिटेल, जो प्रोजेक्ट की डिटेल है इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? वालेकुम, क्या हाल है? अब्दुल्ला भाई, आपके पास जो ये प्रोजेक्ट आया है इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, ये प्रोजेक्ट है हमारा 10A कमर्शियल में। 10A कमर्शियल बेसिकली सबको ही मालूम है 10A कमर्शियल के बारे में। 10A कमर्शियल लेन 20 पे हम लोग लेकर आए हैं स्मार्ट ऑफिसेज ग्राउंड प्लस 6 का हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो है हर फ्लोर पे 6 हमारे पास ऑफिस होंगे और 36 टोटल ऑफिसेज हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर और प्लस बेसमेंट है हमारे पास। ग्राउंड फ्लोर पे भी ऑफिस होंगे? ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस नहीं होंगे, ग्राउंड फ्लोर में हम शोरूम निकालेंगे, ठीक है, या फिर फ्रेंचाइज वगैरह लेकर आएंगे। कितने शोरूम वो भी 6 होंगे नीचे? नहीं, 6 नहीं होंगे, वो सिंगल होगा ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट। पूरा जो नीचे होगा बिल्कुल ऐसे, वो कंप्लीट एक शोरूम आएगा हमारे पास। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऊपर ऑफिसेज हैं वो टोटल 36 हैं। सबसे छोटा साइज जो हमारे पास है वो है 281 स्क्वायर फीट का ऑफिस, और सबसे बड़ा जो है वो 345 है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं, हमारे पास 41 लाख रुपए से लेके 52-53 लाख रुपए तक के ऑफिसेज हैं, ठीक है। अच्छा, लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हम मेन गेट से एंटर होते हैं, एंटर होके हम लोग ग्रैंड मस्जिद पे आते हैं। ग्रैंड मस्जिद से जैसे ही हम लेफ्ट लेंगे तो हमारा 10A का एरिया आता है, ठीक है। 10A कमर्शियल आबाद इलाका है, नियरेस्ट हमारे पास ये सामने हमारे दिख रहा है आपको, ये अबू बकर मस्जिद है, अबू बकर मस्जिद। अच्छा, दूसरी चीज़ कमर्शियल की तरफ अगर हम जाते हैं तो बैरिया के अंदर एक इशू बड़ा जा रहा है कि यार हमारे पास पार्किंग का इशू बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा पार्किंग की तरफ से कोई इशू नहीं है। 3 लेन है हमारे पास पार्किंग की उस साइड पे, उसके बाद यहाँ पे हमारा पार्किंग है। 3 साइड कॉर्नर है हमारे पास इस साइड पे भी, क्योंकि ये हमारा ही प्लॉट है, इस पे भी हम ही लेकर आएंगे, तो तकरीबन ये जो है आपको पार्किंग का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं जो कि आपकी शॉप, जो आप ऑफिस कह रहे हैं, ये हर फ्लोर पे सेम साइज है? देखिए, सेम साइज नहीं है, हम लोगों ने कैटेगरी वाइज कर दिया है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरीके से, ठीक है। इन सबके साइजेस अलग अलग हैं। अच्छा, सेम ही स्ट्रक्चर हमारा ग्राउंड प्लस 6 चल रहा है, अगर मतलब जो फर्स्ट फ्लोर पे वही सेकंड फ्लोर। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे जो साइज है सेम वही स्ट्रक्चर ऊपर है, सेम वही स्ट्रक्चर। अच्छा, बेसिकली होता यही है तरीके का, कंस्ट्रक्शन का रूल यही कहता है कि जो साइज आपने नीचे रखा है वही साइज आप ऊपर लेके चलते हैं। अच्छा, इस पे कोई क्या कहते हैं, ऊपर के रेट कम है नीचे के रेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल जो रेट है 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का हमने रेट लॉन्च किया है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो 50,000 रुपये का रेट है, और बेसमेंट हमने 7 देनी है तो 25,000 रुपये का बेसमेंट का रेट है। ग्राउंड फ्लोर हमारे पास 1400 स्क्वायर फीट है, बेसमेंट जो है वो 1450 स्क्वायर फीट की है हमारे पास टोटल, ठीक है अब्दुल्ला भाई। और एक और बात, जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने अर्सा? देखिए, 2 साल की हमने इंस्टॉलमेंट की है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट होगी। इजी इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट वो दुकान के हिसाब से, शॉप के हिसाब से, शॉप के हिसाब से डाउन पेमेंट है, परसेंटेज वाइज सिस्टम है। वो तो ये कि जब क्लाइंट हमारे सामने बैठता है, बैठ के हम शेड्यूल बना लेते हैं, कोई खास इशू नहीं होता उसमें। डाउन पेमेंट बेसिकली जो हमने रखी है वो 20% से रखी है, ठीक है, सही है। और बाकी अगर मिसाल तौर पे कोई कस्टमर आके बोलता है कि यार मैं पेमेंट बकाया अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ 2 साल में, तो वो अगर अपने हिसाब से अगर 2 साल की पेमेंट बना के हमें देता तो हमें कोई इशू नहीं है। और अगर कोई कस्टमर आता बोलता मैं आपको टोटल कैश पे अगर देता हूँ तो उसको आप क्या फैसिलेट करेंगे? देखिए, कैश पे वो बैठ के बात की जा सकती है, जब क्लाइंट आएगा, जब हमारे पास प्रपोजल इस चीज़ का आएगा कि हाँ यार हम कैश पे लेना चाहते हैं, तो मतलब उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही डिस्काउंट देंगे। सही है, तो डिस्काउंट के हवाले से आप बेफिक्र हो जाएं। तो अब्दुल्ला भाई, मुझे बताएं आज हम यहाँ किस वजह से आए हैं? देखिए, आने का असल मकसद, आपको बुलाने का मकसद ये था कि हम लोग बेसिकली अपनी जगह पे पाइलिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। पाइलिंग के लिए हम लोगों ने बॉर्डर्स वगैरह मेंटेन कर दी है, अभी आप देखेंगे अब बस 5 से 10 मिनट में हमारे पाइलिंग मशीन आने वाली है। तो पाइलिंग मशीन दिखानी थी बेसिकली कि हाँ यार हमारी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। थोड़ा वो देखें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की बात कर ले, बिल्डिंग की क्रेडिबिलिटी की बात अगर करें तो यहाँ पे इन्होंने विलास बहुत बनाए हैं, बैरिया के अंदर भी विलास बनाए हैं। ईमान इंटरप्राइजेस एक नामी ग्रामी नाम है, ईमान इंटरप्राइजेस की तरफ से ये हमारे पास प्रोजेक्ट आया। एक बिजनेस बे प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली, नाम पूछना भूल गए थे शायद या मैंने नहीं बताया, एक बिजनेस बे प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छा, दूसरा क्लिफ्टन के अंदर ईमान इंटरप्राइजेस ने काफ़ी काम किया है, DHA के अंदर बड़ा काम किया है, DHA सिटी के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त बैरिया के अंदर कमर्शियल ये फर्स्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम 10-12 मजीद लॉन्च करेंगे 10A कमर्शियल के अंदर ही। सही है, तो ये बिल्डिंग कितने अर्से में आप? ये 2 साल में इंशाल्लाह आपको रेडी मिलेगी, क्योंकि पाइलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। पाइलिंग का काम स्टार्ट होता है उसके बाद फिर ये तेज़ी से काम होता है हमारा।